हेलो बच्चों, आज मैं आप सब के लिए भगवान कृष्ण के जन्म की कथा लेकर आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे भगवान कृष्ण के जन्म की कथा न मालूम हो। भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर मन को तृप्ति मिलती है। वैसे तो उनके जन्म का कौन गान कर सकता है, फिर भी जैसा मैंने अपने गुरुदेव और बड़ों से सुना और सीखा है, उसे मैं अपने शब्दों में आपके सामने रख रही हूं। एक बार धरती माता बहुत दुखी हुई। कंस जैसे बहुत सारे असुरों ने धरती मां को बहुत परेशान किया। धरती पर पाप बढ़ गया। पृथ्वी ने गऊ का रूप बनाया और आंखों में आंसू लिए ब्रह्मा जी के पास गई और कहा, बेटा ब्रह्मा, मेरे ऊपर पाप बहुत बढ़ गया है और मैं पाप से दबी जा रही हूं। पृथ्वी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता और भगवान शिव भी थे। सभी देवों ने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान की आकाशवाणी सुनाई दी है कि मैं जल्दी ही धरती पर देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और मेरे साथ श्री बलराम जी और राधा जी भी अवतार लेंगे और तुम भी सभी अपने अपने अंशों से जाकर यादव कुल में अवतार धारण करो। सब देवताओं ने भूरी भूरी प्रशंसा भी की। अब कंस को आकाशवाणी सुनाई देना। मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के छोटे भाई थे देवक। उग्रसेन के 5 बेटियां और 9 बेटे थे। देवक महाराज के 4 पुत्र और 7 बेटियां थीं, जिनमें से अपनी 6 बेटियों की शादी सुरसेन के बेटे वसुदेव से वे कर चुके थे। अंत में देवकी की शादी भी वसुदेव से मंगल मुहूर्त में कर दी गई। ये कंस की चचेरी बहन थी। देवता फूलों की बारिश कर रहे थे, मंगल गाना गाया जा रहा था। महाराज ने बहुत सा सामान अपनी बेटी को दिया। जब विदा का समय आया तो रथ में देवकी और वसुदेव दोनों विराजमान हैं। सबकी आंखों में आंसू थे। कंस भी रो रहा था। कंस को अपनी बहनों से ज्यादा देवकी से प्रेम था, क्योंकि घर में वह सबसे छोटी थी। कंस कहते हैं, मैंने अपनी बहन को इतना प्यार दिया है तो क्या मैं इसके घर तक इसे छोड़कर नहीं आ सकता। कंस ने सारथी को उतार कर खुद घोड़ों की रास पकड़ ली और महलों की ओर चले। जब बीच राजपथ पर पहुंचे तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतना लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। जैसे ही कंस ने सुना तो म्यान से तलवार निकाल ली और देवकी को मारने लगा। जब वसुदेव ने देखा तो उसको रोका और कहा, कंस, आकाशवाणी की आवाज मैंने भी सुनी है। देखो कंस, जिस संसार में जीव पैदा होता है उसी दिन उसकी मौत भी निश्चित हो जाती है। अगर देवकी के बालक से तुम्हारी मृत्यु होने वाली होगी तो उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हें अपनी बहन से डर नहीं है, इसके बालकों से है। तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि जितने भी देवकी के बालक होंगे सब लाकर तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, इसलिए कंस को विश्वास हो गया। कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। कुछ समय बाद देवकी के बेटा हुआ, नाम रखा कीर्तिमान। वचन के अनुसार वसुदेव ने बालक को लेकर कंस को दे दिया। कंस ने कहा कि मुझे इस बालक से डर नहीं है, 8वें बालक से है, तुम इसे ले जाओ। वसुदेव बालक को लेकर चले गए। नारद जी का कंस के पास जाना। नारद जी ने सोचा, अगर कंस जैसे पापी के मन में दया आ गई तो भगवान का अवतार कैसे होगा। अपनी वीणा लेके कंस के पास आए और बोले, नारायण नारायण, कंस, देवकी के बालकों का क्या हुआ। कंस ने कहा, अभी पहले पुत्र का जन्म हुआ है, मुझे 8वें पुत्र से डर है, पहले से नहीं। तब नारद जी ने 8 दानों की माला लेकर कंस के हाथ में दे दी और कहा, दाने गिनो। कंस ने कहा,
इसमें क्या 8 मन का है और क्या है? अब आप पहले मन के से नहीं दूसरे से गिनती शुरू करो और पहले वाले को अंतिम में गिनना, ऐसा नारद जी ने कहा। जब कंस ने गिना तो पहले वाला 8वें नंबर पर आया। फिर नारद जी बोले कि अब तीसरे मन के को पहले नंबर से गिनो और दूसरे को अंत में गिनना। इस तरह से नारद ने प्रत्येक माला के मन के को 8वां बनाकर दिखा दिया। कंस बोले, क्या आप क्या बच्चों वाला खेल खिला रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नारद जी बोले, कंस यही मैं समझा रहा हूं, जैसे इस माला का प्रत्येक दाना 8वां है वैसे ही हर बालक में भगवान का वास है। नारद जी कभी बच्चों को मारने की शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन कंस की बुद्धि जड़ है, हर बार उल्टा ही सोचती है। कंस के मन में आया कि देवकी का हर बालक 8वां है और 13 काल है। फिर नारद जी चले गए। अब कंस ने उस बालक को मंगवाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस तरह देवकी के 6 बालक हुए। कंस ने सभी को मरवा दिया। अब देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया गया। बलराम जी का जन्म। भगवान ने योग माया को 7वां बालक बनने की आज्ञा दी और कहा कि तुम देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करो और रोहिणी जी के गर्भ में डाल दो और नंदगांव में चले जाओ और यशोदा के गर्भ से पुत्री बनकर जन्म लेना। तुम्हारी दुर्गा के रूप में पूजा होगी। कोई तुम्हें दुर्गा कहेगा, कोई काली और कोई खप्पर वाली कहेगा। अनेक नाम तुम्हारे पड़ेंगे और कलिकाल में जो कोई भी तुम्हारी पूजा करेगा उसे मन वांछित फल भी मिलेगा। योग माया ने 7वें बच्चे यानी कि बलराम का आकर्षण किया और रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया। कंस को पता चला कि मेरा काल आने वाला है तो कारागार की ओर चतुरंगणी सेना खड़ी कर दी। हाथी, घोड़े, पैदल, रथ, देवकी और वसुदेव के पैरों में बेड़ियां डाल दी। यहां देवकी के गर्भ में भगवान आकर साक्षात विराजे। देवताओं ने भगवान को सत्य कहा और बड़ी ही सुंदर स्तुतियां की। अब बड़ा सुंदर समय आया। कृष्ण पक्ष बुधवार है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश कर रहा है। आकाश में तारों का प्रकाश है। एकदम से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। सरोवर के कमल के फूल खिल रहे हैं। अग्निकुंडों में अग्नि प्रज्वलित हो गई। मंद मंद बारिश होने लगी। अर्धरात्रि का समय है। देवकी और वसुदेव के हाथ पैरों की बेड़ियां खुल गईं और भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति की है। देवकी ने कहा कि प्रभु आपका रूप दर्शनीय नहीं है, आप और बालकों की तरह छोटे से बन जाइए। भगवान छोटे से बाल कृष्ण बन के माँ की गोद में विराजमान हो गए। वहां पर सुंदर टोकरी है, उसमें मखमल के गद्दे लगे हुए हैं। भगवान की प्रेरणा हुई कि आप मुझे गोकुल में छोड़ आइए और वहां से कन्या को लेकर आ जाइए। वसुदेव चल दिए हैं। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और सभी सैनिक बेहोश हो गए। रास्ते में यमुना जी आईं। वसुदेव जी यमुना पार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन ये क्या, यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, इसीलिए वे उनका पैर छूना चाहती थी। लेकिन वसुदेव जी उन्हें टोकरी में लिए हुए हैं, इसलिए यमुना जी ने अपना जलस्तर बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान बोले, अरे यमुना, ये क्या कर रही है? देख, अगर मेरे बाबा को कुछ भी हुआ तो अच्छा ना होगा। यमुना जी बोली कि आज तो आपके बाल रूप के दर्शन हुए हैं, तो क्या मैं आपके चरण स्पर्श ना करूं? तब भगवान ने अपने छोटे छोटे कमल जैसे पांव टोकरी से बाहर निकाले और यमुना जी ने उन्हें छुआ और आनंद प्राप्त किया। फिर यमुना का जल स्तर कम भी हो गया, लेकिन बारिश बहुत तेज थी। तभी शेषनाग भगवान टोकरी के ऊपर छत्रछाया की तरह आ गए। आज भगवान के दर्शन करने को सब लाल आए थे। वसुदेव जी ने यमुना नदी पार की और गोकुल आ गए हैं। कृष्ण जन्म गोकुल कथा। यशोदा और नंद बाबा। चलिए अब थोड़ा दर्शन नंद बाबा और यशोदा मैया के नंदगांव का करते हैं। बात उस समय की है जब माघ का महीना और मकर संक्रांति का दिन था। नंद बाबा के छोटे भाई थे उपनंद। इनके घर ब्राह्मण भोजन करने आए थे। उपनंद ने नंद बाबा से कहा
कि आप सभी ब्राह्मणों को तिलक करें और दक्षिणा दें। तिलक करने के बाद सभी ब्राह्मणों ने एक साथ आशीर्वाद दिया। ब्रजराज आयुष्मान भव, ब्रजराज धनवान भव, ब्रजराज पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले, ब्राह्मणों आप हंसी क्यों करते हैं? मैं 60 साल का हो गया हूं, आप कहते हैं पुत्रवान भव। ब्राह्मण बोले कि हमारे मुख से आशीर्वाद निकल गया है, आपके यहां बेटा ही होगा। आशीर्वाद देकर सभी ब्राह्मण वहां से चले गए। माघ मास एकम तिथि नंद और यशोदा को सपने में कृष्ण का दर्शन हुआ और उस दिन यशोदा ने नंद बाबा के द्वारा गर्भ धारण किया। सावन का महीना रक्षाबंधन का दिन आया, सभी ब्राह्मण नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा ने सबके हाथों में मौली बांधी और सबको दक्षिणा दी, फिर वही आशीर्वाद दिया, ब्रजराज धनवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। नंद बाबा को हंसी आ गई और बोले, आपका आशीर्वाद फलने तो लगा है, लेकिन पुत्रवान की जगह पुत्रीवान हो गया, तब क्या करेंगे? ब्राह्मणों ने कहा कि हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। यदि आपके यहां लड़की भी हो गई तो कोई बात नहीं, हमें पता है लड़का ही होगा, आप रक्षा मौली बांध दें। जब जाने लगे तो ब्राह्मण तो नंद बाबा बोले कि ये तो बता दीजिए कि अभी लाले के जन्म में कितना समय है। सभी ब्राह्मण एक साथ बोले, आज से ठीक 8वें दिन रोहिणी नक्षत्र के 3रे चरण में आपके यहां बालक का जन्म होगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देकर चले गए। नंद बाबा ने 8 दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी, सारे गोकुल को दुल्हन की तरह सजा दिया। वो समय भी आ गया, रात्रि के 8 बज गए। घर के नौकर चाकर सब नंद बाबा के पास आए और बोले कि बाबा, नाम तो आज का ही लिया है, हमें नींद आ रही है, 8 दिन से सेवा में लगे हैं, आप कहो तो सो जाएं। नंद बाबा ने बोला, हाँ भैया, तुमने काम किया है तो आप आज सो जाओ। घर के नौकर चाकर सब सोने चले गए। 2 घंटे का समय बीता। नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। नंद बाबा ने सुनंदा से कहा कि रात के 10 बजे हैं, मुझे भी नींद आ रही है, तू कहे तो थोड़ी देर के लिए मैं भी सो जाऊं। सुनंदा बोली, हाँ भैया, तुम भी सो जाओ, मैं भाभी के पास हूं, जब लाला का जन्म होगा आपको बता दूंगी। नंद बाबा भी सो गए। रात के 11 बजे सुनंदा को भी नींद आ गई। यशोदा के पास जाकर बोली, भाभी, नाम तो आज ही लिया गया है, आज ही जन्म होगा, अगर आप कहो तो थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, बहुत थकी हूं। यशोदा जी ने कहा, हाँ आप सो जाइए। तो लाला की बुआ सुनंदा भी 11 बजे सो गईं। अब प्रश्न उठता है कि सब लोग सो क्यों गए? भगवान के जन्म का समय था, क्योंकि पहले आ रही है योग माया, माया का काम है सुलाना, लेकिन जब भगवान आते हैं तो माया वहां से चली जाती है और सबको जगा देते हैं। जब 12 बजे का समय हुआ तो लाला की मैया भी सो गईं। उसी समय वसुदेव जी आए और लड़की को लेकर चले गए और लाला कृष्ण को यशोदा के बगल में लिटा दिया। भगवान मां के पलंग पर सोए हुए हैं, लेकिन जहां से आवाज आती है वहीं से खर्राटों की आवाज आ रही है। मां सो रही है, पिता सो रहे हैं, बुआ सो रही है, घर के नौकर चाकर सभी सो रहे हैं। कितने भोले हैं ब्रजवासी, इनको ये भी पता नहीं कि मैं पैदा हो गया हूं। उठकर नाचे गाएं, क्या मैं मैया से कह दूं कि मैया मैं पैदा हो गया हूं, तू जाग जा? भगवान बोले नहीं, यहां बोला तो मां डर जाएगी, अब क्या करूं? भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा रोऊं जिससे मां जाग जाएगी, लेकिन भगवान को रोना ही नहीं आता है। फिर भी बाल कृष्ण ने थोड़ी सी चतुराई की और रोने का प्रयास किया, लेकिन संसार के बालक की तरह नहीं रोए। भगवान जब रोने लगे तो ओम की ध्वनि निकली, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब सबसे पहले लाला की बुआ जाग गई। अरे बहन सुनंदा, बधाई हो बधाई, लाला का जन्म हो गया। दौड़कर नंद बाबा के पास गई और बोली, लाला का जन्म हो गया है। देखते ही देखते पूरा गांव जाग गया, सभी को बधाई बंटने लगी। सब भगवान कृष्ण के जन्म को उत्साह पूर्वक मनाने लगे। हर तरफ से आवाज आने लगी, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो बच्चों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। ओके बाय।